हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नए फ्रेश वीडियो को लेकर आ गया आपके पास। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 2 थीम के बारे में बताने वाला हूं, जो कि ओप्पो के फोन में आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। इसमें आपको 1 रुपये पैसा भी लगने वाला नहीं है। बस आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है इस थीम को अपने थीम स्टोर से। तो अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 2 जबरदस्त थीम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आपका भी फ़ोन एक यूनिक दिखे और एक अट्रैक्टिव फ़ोन दिखे, कोई भी आपका फ़ोन देखे तो बोले कि वाह क्या फ़ोन है, थीम कहाँ से डाउनलोड किया और ये सब थीम आपको कहाँ मिलने वाली है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला। तो वीडियो मज़ा आने वाला है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। तो सपोज़ देख सकते हो, ये आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा, ये दूसरा थीम है। मैं टॉप 2 थीम के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो, ये दूसरा थीम है। पहला थीम मैंने वीडियो में जब बता रहा था, इंट्रो दे रहा था, तब मैंने वहाँ पर दिखाया। देख सकते हो ये थीम आपको कुछ इस तरीके का दिखेगी। अगर आप चाहते हो कि ये थीम को आप डाउनलोड करें, या फिर ये थीम को आप चाहते हो कि इस थीम को कैसे यूज़ करें, और देख सकते हो जैसे जैसा मैं चेंज कर रहा हूँ उस तरीके से ये चेंजिंग हो रही है। तो अगर आप चाहते हो ये थीम को कैसे यूज़ करो, तो चलिए इस वीडियो को देखिए। अगर आपको इस थीम को यूज़ करना है, अगर आपको भी अपने ओप्पो के फ़ोन को अट्रैक्टिव लुक देना है, तो आपको सबसे पहले आपके अपने फ़ोन के थीम स्टोर में जाना होगा। थीम स्टोर में जैसे ही आप चले जाते हो, तो वहाँ पर आपको सर्च करना है साइबर पंक 2001। देख सकते हो, मैं जूम करके आपको एक बार और दिखा देना चाहता हूँ। साइबर पंक 2001 आपको सिर्फ सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कर देते हो, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ सर्च करना है, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये इसको यूज़ करने के बाद, डाउनलोड करने का, सिंपली से आपको अप्लाई में सेलेक्ट कर देना। देख सकते हो यहाँ पर अप्लाई का एक ऑप्शन आ जाता है, आपको सिंपली से अप्लाई कर देना है। इसमें आपको क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। इसमें आपको चेंजेस को देखने को मिल जाएगी, लॉक स्क्रीन चेंज हो जाएगा, आइकन चेंज हो जाएगा, लॉक होम स्क्रीन वाले पर भी आपका चेंज हो जाएगा। इसको अप्लाई कर देने के बाद आपको कुछ आपका फ़ोन कुछ इस तरीके का दिखेगा। देख सकते हो इस तरह दिखने के बाद आप देख सकते हो कुछ आपको यहाँ पर आपको कुछ नोटिस करना है। देख सकते हो ये किस तरीके से जो है चेंजिंग हो रही थी। देख सकते हो ये जो कार्टून, एक टाइप का कार्टून टाइप का कुछ वहाँ पर आप चाहते हो कि इसको कुछ चेंज किया जाए, इसको कुछ मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सेटिंग करके एक ऑप्शन आएगा, देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग करके आपको सेलेक्ट कर देना है। सपोज आप चाहते हो कि यहाँ पर लाइट बल्ब जल जाए, तो देख सकते हो यहाँ जैसे मैंने टैप किया, वहाँ पर पिंक आ गया। देख सकते हो, देखिए मैं अभी टैप नहीं किया तो यहाँ पर कलरफुल नहीं हुआ। अगर मैं टैप कर देता हूँ, ये पिंक आ जाएगा, और यहाँ पर एक कुछ टाइप का लिखा हुआ ये भी आ जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। इसको करने के बाद अगर आप चाहते हो कि मास्क हटाना, तो मास्क भी हट जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो मास्क हटाने के बाद आप चाहते हो कि दूसरा, मतलब कि ये जो ये कार्टून है, दूसरा कार्टून आ जाए, तो सपोज आप चाहते हो दूसरा कार्टून आ जाए, तो आपको तीसरे वाले में सेलेक्ट कर देना। जैसे आप सेलेक्ट करते हो, ये तीसरे में भी सेम प्रोसेस आपका हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद चौथे में चले जाते हैं, चौथे में अब क्या होगा, चौथे में कलर चेंज होगा, देख सकते हो। तो ऐसे करके आप जो है अपने फ़ोन को अट्रैक्टिव लुक देख सकते हो इस थीम को डाउनलोड करके। दूसरे थीम के बात की जाए, अगर आप चाहते हो दूसरा थीम जो डाउनलोड करना है, तो ये देख सकते हो दूसरा थीम ये आ जाता है, ठीक है। आपको थीम स्टोर में जाना है, सिंपली से आपको वहाँ सर्च करना है स्पेस क्रॉप, देख सकते हो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये स्पेस क्रॉप आपको सर्च करना है। सर्च करके आप डाउनलोड करना है, इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ लॉक स्क्रीन आपको चेंज हो जाएगा, आइकन चेंज हो जाएगा, होम स्क्रीन वाले पर चेंज हो जाएगा। आपको सिंपली से इसे डाउनलोड करके अप्लाई में कर देना। जैसे ही आप अप्लाई कर देते हो, ये जो थीम है आपके फ़ोन में टोटली तरीके से अप्लाई हो जाएगा। चलिए मैं जूम करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपके फ़ोन में। अगर आप इसे ऑफ करते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का फ़ोन में इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। चलिए मैं जूम करके आपको एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से आप म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे ही हम म्यूज़िक में क्लिक किया, तो यहाँ पर आ गया मेरा डायरेक्ट म्यूज़िक ओपन हो गया। चलिए देखिए, है ना। तो अगर आप चाहते हो इस थीम को डाउनलोड करना, जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए, आप जाके ये डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सब आप चाहते हो कॉल करना, तो आपको सिंपली से ये जो बटन आपको नीचे कर देना, जैसे आप कर देते हो वो कॉल में आपका लग जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैसेज, तो मैसेज में भी आपको सिंपली से नीचे कर देना, वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देख सकते हो ऐसे ही करके आप अपने थीम स्टोर में जाके ये सब थीम को डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद कर छोटा सा वीडियो को पसंद आएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज कीप वॉचिंग वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।